सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, श्री पंकज सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक पंडित भाटी जी, अनिल सिसोदिया जी, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन भाटी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी और इस संस्थान के चेयरमैन श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब ने अपना समय निकाल करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। चुनाव के पहले, इससे पहले कि हमारी पब्लिक रैली प्रारंभ हो, तो पब्लिक रैली के पहले समाज के उस तबके को, जो समाज में एक माहौल बनाएगा, समाज के ओपिनियन को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है, उस भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार देश के अंदर नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में आया हूं। प्रबुद्ध जन समाज के जागरूकता के लिए भी और उनकी ओपिनियन को भी बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और गौतम बुद्ध नगर और प्रबुद्ध जनों का इस समन्वय हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन भी कराएगा। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं यह वही जनपद है जो जनपद 2017 के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त हुआ करता था। और मैं तब
ये समझ नहीं पाया था कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जनपद उत्तर प्रदेश का भाग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त क्यों है। फिर जब मैंने सूची देखी यहां की और फिर मैं उसके बाद अनुमान लगाने लग गया कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले नौकरशाह यहां की जनता को तंगाल करते थे और अपने आप को और अपने संरक्षकों को मालामाल करते थे। ये तथ्य सामने ना आने पाए इसके लिए उनके द्वारा प्रयास होते थे कि इन तथ्यों पर धूल ही झोंका जाए, जितनी पट्टी बांधी जाए वो गांधारी की पट्टी यहां बंधी रहती थी। और मैं देख के ताजुब था कि जब इन चीजों को लेकर के मैं सुनता था तो मैंने स्वयं तय किया कि नहीं भाई, मैं जिन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद जैसे उर्वरा क्षेत्र को, अत्यंत उर्वरा क्षेत्र को बदहाल किया है, कंगाल किया है, अराजकता और समस्याओं के गर्त में ले जाने का कार्य किया है, वहां मैं स्वयं चल करके देखूं। और मुझे 2017 में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं यहां आया था, मैंने यहां की समस्याओं को देखा और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, इन्होंने उन सभी समस्याओं को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना धैर्य खोए उन समस्याओं को लखनऊ में भी और यहां पर भी मेरे सामने रख करके कहा था कि इन समस्याओं का फेज वाइज समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर न केवल अपनी पहचान को स्थापित करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएगा और उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी। और आज उन सब के सकारात्मक सहयोग का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर जिस रूप में पहचाना जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह सच था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में शामिल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के आर्थिक उन्नयन के अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है और देश के नंबर दो की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप इतनी पहचान बनाई है। यह सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। उन्होंने जो सकारात्मक वातावरण देश के अंदर दिया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, 2014 के पहले का भारत समस्याग्रस्त था, अविश्वास से भरा हुआ था, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण था। पूरी दुनिया के अंदर किस रूप में भारत के प्रति व्यवहार होता था, भारत से जाने वाले लोग पहचान के लिए मोहताज हुआ करते थे, पासपोर्ट की कीमत नहीं रह गई थी, सीमाएं असुरक्षित थी, देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उस समय बनाया था, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, विकास अवरुद्ध हो गया था, नौजवान हताश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी असुरक्षित था, बेटी असुरक्षित थी, असहाय थी। और उन स्थितियों में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को इस देश ने हाथों हाथ लिया था। मोदी जी ने उस समय देश के अंदर कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल देश के एक राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक शानदार पारी को आगे बढ़ाया था।
और सितारी को खेलते खेलते उन्होंने देश के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आज देखते ही देखते पिछले 10 वर्ष में जिस नए भारत का हमें दर्शन होता है, एक सुरक्षित भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत, और इन सबको हमने देखा है, एक सुरक्षित रूप, सुरक्षित भारत भी है, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी, दुनिया के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाने वाला भारत है, युवाओं की आजीविका को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर में भारत को ले जाने वाला भारत है, भारत की युवाओं की आजीविका का प्रबंध भी है, आम जनता की आस्था का सम्मान भी है इस नए भारत में। और इस नए भारत को अंदर हम देख सकते हैं, इस नए भारत को जब हम देख रहे हैं, उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबको भी तय करना है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश को विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब गौतम बुद्ध नगर जनपद अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे आएगा। हमें इस बात की खुशी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण मंच पे हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और सचमुच उन्होंने एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को साबित किया, और दुनिया के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं छोटी सी घटना आपको बताता हूं, इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की है। एक बड़े प्रतिष्ठान का यहां पे उद्घाटन था, कोरोना कालखंड के दौरान जमीन आवंटित हुई थी, और जमीन आवंटन होने के बाद वह 2022 के अंत में मेरे पास आए कि हमें अपने बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सेंटर, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे हों, वह तैयार हो गया। मैंने कहा भी मैं रिपोर्ट भी ले लेता हूं, आपने मुझे अपना इनविटेशन दिया है और ये इनविटेशन आपने मुझे दिया है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं। मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे आया कि हां साहब ये बन के तैयार हो चुका है, और इसके आने के बाद 40,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज इसके साथ ही आ जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भी ठीक है हम लोग आ रहे हैं, इसमें काम करना कि मेरे आने के पहले सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रण जरूर दीजिए। तो चौंका, कहा जनप्रतिनिधि? मैंने कहा हां, वहां के मान्य सांसद होंगे, मान्य विधायकगण होंगे। कहा क्या गौतम बुद्ध नगर में भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी सांसद विधायक हैं? अरे हमने कहा क्या गौतम बुद्ध नगर जनपद क्या किसी और जिले का है? वो आके मेरे सामने इस बात को कहे, कहे साहब मैं भौचक हूं, मेरी पूरी जिंदगी जिस राज्य में और जिस क्षेत्र में व्यतीत हुई, अगर वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम कर देते हैं, और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई अन्य पदाधिकारी, कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया कि इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहां रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि एक नया निवेश हमारे जनपद में आया है और मेरे देश के लोगों को, मेरे प्रदेश के नौजवानों को यहां नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यह है सकारात्मक योगदान, और जो सकारात्मक माहौल बना आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक प्रति इनकम वाले जनपदों में से एक है। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं,
तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हो रही है, हुई है और देश के सामने एक मानक पड़ा है। आज कौन नहीं जानता है, पहले यहां जो था भी किसी समय का निवेश वह प्लान करता था और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहां आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहां आ रहा है और यहां के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया उसी का परिणाम है कि आज यहां पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज यहां पर देश की प्रगति के लिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की होने जा रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहां पे निवेश भी आ रहा है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप यहां पर दे रहे हैं जेवर के नाम पर। 2017 के पहले जेवर नाम से लोग कांपते थे, किसानों के आंदोलन के कारण भी और अन्य कारणों से भी। मुझे याद है 2017 में जेवर में एक बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। जुलाई का महीना था, मैं कुशीनगर जनपद के दौरे पे था, अचानक इस प्रकार का मेरे पास मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। मैं चौंका, मैंने वहां के विधायक को फोन किया, मैंने कहा धीरेन्द्र जी ऐसा ऐसा कोई घटना आपके यहां घटित हुई है। उन्होंने कहा हां घटना घटित हुई है, मैं मौके पे हूं। मैंने कहा इससे माहौल खराब हो जाएगा वहां। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीड़ित से मिल चुका हूं, आपकी मैं एक बार बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा पीड़ित लोगों से मुझसे बात कराएंगे टेलीफोन से? उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, सब लोग हमारे उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई संदेह? कहा नहीं संदेह तो नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मिल जाए। और उसी समय हमने संकल्प किया था कि भाई जेवर क्षेत्र में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब देखें लोग बोलते थे यहां एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, कोई बनाने की सोच नहीं पाता था, हिम्मत नहीं ले पाता था, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ थे। हर व्यक्ति एयरपोर्ट के नाम पर जो करना चाहता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कहा नहीं, बनेगा तो जेवर में ही अब बनेगा और उसके बाद हम लोग लेके आए थे। आपने देखा होगा आज एयरपोर्ट बन रहा है और ये एयरपोर्ट तो निवेश ला ही रहा है, लेकिन आने वाले समय एयरपोर्ट को चलने दीजिए, कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1,00,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने वाला है अकेले एक एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट, और अब तो यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अब यहां पे फिल्म सिटी भी बन रही है, अब यहां पर यानी जो कभी कल्पना थी आज वह इस जनपद के माध्यम से न केवल प्रदेश को बल्कि देश को मिल रहा है। यह जो सकारात्मक वातावरण पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर देखने को मिला है, यह अद्भुत है। दुनिया इसके प्रति विभूत है और हम भारतवासियों का दायित्व भी बनता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट एकमात्र उनके जीवन का मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ
मात्र वो लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभिषिक्त बना लेता है और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानी है तो चली जाए लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास और सकारात्मक सोच के साथ नेशन फर्स्ट की थ्योरी। हम देश के बारे में सोचेंगे, देश रहेगा हम सब भी रहेंगे, देश रहेगा देश समृद्धि करेगा हम भी समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक वह भारत था जब लोग भूखों मर रहे थे, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, इंडस्ट्री बंदी के कगार पर थी, गुंडे और अपराधी जिस तरीके से व्यवहार करते थे, जिस प्रकार की अराजकता फैलाते थे, यही राज्य है, दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मैं किसी देश में गया इस दौरान, मेरे पास वहां पर भारत के जितने भी हमारे राजनयिक थे, जिस भी देश में गया वहां पे लोग आके दो चार अधिकारी मिलकर कहते थे कि साहब हम लोग तो यहां काम कर रहे हैं, हमारे बूढ़े मां बाप हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमने एक फ्लैट के लिए पैसा जमा किया था, कोई कहता था 10 साल हो गए, कोई कहता था 12 साल हो गए, कोई कहता था 15 साल हो गए, आज तक हमें नहीं मिला। और मुझे जब हम लोगों ने कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट आई तो मैंने यहां पे उसी समय अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा भी देखो कमेटी की रिपोर्ट को अब लागू करो, हर हाल में लागू कर दो, कोई इसमें विवाद नहीं होना चाहिए और हर एक बायर्स को उसका अधिकार मिल जाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा दीजिए। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन आ नहीं पाया, मुझे यहां आना था लेकिन चूंकि 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो गई तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे बीच कार्यक्रम से उठना पड़े, और मैं इसीलिए मैंने कहा कार्यक्रम आपका चालू जरूर है, मैं नहीं रहूंगा लेकिन जनता को वहां का अधिकार मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और परिणाम था जब मैं अगले दिन पेपर की प्रिंटिंग में मंगा के देखा, मैंने कहा देखा किसी को 27 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 23 साल के बाद, किसी को 21 साल के बाद उनका मकान का अधिकार मिला, उन लोग चेहरे की खुशी देखने लायक थी उस समय। और हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या, जनता जनार्दन खुश है, हम लोग खुश हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है, एक कॉमन मैन खुश है तो हम खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं क्या डर नहीं लगता, मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं थी। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है आप सबके सामने है। एक तरफ वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और दूसरी तरफ यह सरकार है जो कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चला देती है। अंतर है, देखो केवल सोच का अंतर है, उनको कर्फ्यू प्यारा था लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जनता की खुशहाली प्यारी है, जनता जनार्दन जिसमें खुश रहे, जिसमें वो सुरक्षित रहे, जिसमें वो समृद्धि की ओर अग्रसर होगी। और उस कार्य को करने के लिए हम लोग आए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्य देश के अंदर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई सोचता है कितना बड़ा कार्य हुआ, हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को एक एक आवास दिए, 56 लाख गरीबों को, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा, 25 करोड़ गरीब देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई का इसका सिलेंडर पहुंच गया, नहीं तो 2014 के पहले क्या था, एक कनेक्शन लेने के लिए हजारों
रुपया भी खर्च होता था और रुपया खर्च अलग होता था, पर्व और त्योहार के दिन अगर एलपीजी का सिलेंडर खाली हो गया और सिलेंडर के साथ सारा परिवार का पर्व और त्योहार का जो मजा था वो फीका हो जाता था, क्योंकि रसोई गैस का सिलेंडर, रसोई गैस है ही नहीं घर में, कैसे घर में कोई कुछ बनाएगा, ये सारे फीके हो जाते थे। और अगर कोई जबरदस्ती करता था कि नहीं हमें रसोई गैस चाहिए तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। लेकिन आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस की कनेक्शन भी मिले हैं और साथ साथ जब मर्जी तब आप रसोई गैस के सिलेंडर ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसलिए सरकारों ने बांध दिया था कि साल में 6 देंगे, एक यानी जैसे कोटा सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया था पूरे देश के अंदर, देश को इसी ढंग से चलाया जा रहा था। देश को कुछ लोगों ने अपनी पपौती बना के रख दिया था, इससे देश नहीं चलता है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रह रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है, इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए हम सबको कार्य करना है। और इस दिन से आज मुझे आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वैसे भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला जनपद है। आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि जो माहौल बना है, चुनाव के दौरान बहुत कठिन होता है एक सांसद पद के प्रत्याशी के लिए कि वह घर घर जा सके। इस बार तो जो पहल डॉक्टर महेश शर्मा जी ने की, बहुत सारी सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ बन गए होंगे। और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में बधाई दूंगा आपको महेश जी, और गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि उनको यह सौगात मिल गई है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कार्य लागू हुआ है कि जो बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे। और इसलिए पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देना होगा, यद्यपि दूसरे चरण में ही आपका चुनाव है लेकिन फिर भी पहले चरण में पहले दिन उस दिन का संकल्प ही हमारा पहला है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनना और मतदान करना, यह पहला कार्य हमारा होना है। और उसके लिए सोसाइटी में तो यह अवसर मिला ही है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है ये समस्या नहीं देती है, समाधान पर विश्वास करती है। और समाधान के लिए भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और एक ग्लोबल लीडर भारत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए आप सबको डॉक्टर महेश शर्मा बनना पड़ेगा। रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए लगना पड़ेगा। कोई भी अति आत्मविश्वास का भाव नहीं होना है। युद्ध और चुनाव दोनों पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ लड़े जाने चाहिए, पूरी मजबूती के साथ लड़े जाने चाहिए। हम उसी सतर्कता और सावधानी का परिचय देते हुए एक एक वोट डॉक्टर महेश शर्मा जी को दिलवा करके 80 उत्तर प्रदेश के अंदर 80 मनकों की जो माला मोदी जी के गले में पड़नी है उसमें से गौतम बुद्ध नगर जनपद की जो माला होगी सर्वाधिक वोटों की होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा निवेश भी और सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ सब कुछ आपको मिला है। मेट्रो आपको मिल गई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी आपको मिल गया, एयरपोर्ट भी आपको मिल गया, फिल्म सिटी भी आपको मिल गई, मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिल गया। और सबसे ज्यादा निवेश के साथ साथ सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जनपद भी गौतम बुद्ध नगर जनपद बन गया है। तो इन सभी उपलब्धियों के लिए
केवल आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि अगर हम लोगों ने आने का अभिशाप को तोड़ा है तो आपको चुनाव बूथ पर जाने के अभिशाप से भी अपने को अलग करना पड़ेगा कि हम जाएंगे जरूर, गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात होगी, कुछ भी होगा, हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे। और प्रत्येक जनता जनार्दन से यही अपील करनी है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग जाकर के देश के लिए करना है। मोदी जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश के लिए, देश की सेवा का जो कार्य किया है, इसके लिए अपने आप को लगा करके कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्य करना है। इस अपील के साथ मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी प्रबुद्धजन, यहाँ पे इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं, व्यापार मंडल से भी आए हैं, अधिवक्ता समुदाय है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान लोग हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी स्वयं चिकित्सक हैं, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम हमारे प्रबुद्धजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबसे मैं अपील करूंगा, आप सब भी अपनी अपनी टोली लेकर के, दो विधानसभा हमारी जनपद बुलंदसर में पड़ेंगी और तीन विधानसभा इस जनपद में पड़ेंगे, इन सभी जनपदों में हम लोग जाकर के इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने टोली को ले जाकर के एक एक व्यक्ति से अपील करेंगे और भारी बहुमत से डॉक्टर महेश शर्मा को विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बासंती नवरात्रि और रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Oh, okay.